माय चैनल एंड आई एम डाइटिशियन दृष्टि। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही हेल्दी ड्रिंक के बारे में। जी हाँ, ये ड्रिंक भी बोल सकते हैं, इसको आप टी भी बोल सकते हैं। तो जिनको ये टी कौन कौन ले सकता है और ये टी कैसे बनती है, कौन नहीं ले सकता है, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको उसको यूज़ भी करना पड़ेगा। अगर जिनको हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिनको हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, जिनका हीमोग्लोबिन 6-7 तक भी हो जाता है और आप ये टी मिनिमम 21 डेज़ लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन है वो नेचुरली इंक्रीज़ होता है। अगर आपकी जो स्किन है वो डल है, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, ब्लैमिश है या फिर जो आपके पिंपल्स के दाग धब्बे हैं कहीं पर भी है, स्किन पर या फिर फेस पर कहीं पर भी है, या फिर आपकी जो स्किन है वो इवन टोन है, आपकी स्किन कहीं से ब्लैक है कहीं से वाइट है, तो ऐसी स्किन भी है तो भी आप ये टी ले सकते हैं। स्किन का ग्लो आता है, आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फिर भी आप ये टी ले सकते हैं, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो मिनिमम आपको 21 डेज ये टी लेनी ही है। और ये टी कैसे बनते हैं तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। लेकिन ये जो टी है कौन नहीं ले सकते, तो जिनको डायबिटीज़ है वो ये टी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस जो फर्स्ट टी जो है वो इंक्रीज हीमोग्लोबिन के लिए है। उसके अंदर मैंने पोमेग्रेनेट का या फिर जूसेस का ऐड किया है, तो आपको प्लीज़ उसको अवॉइड करना है, ठीक है। या फिर आप किसी डाइटिशियन से या फिर डॉक्टर से पूछकर भी ले सकते हैं। तो अगर आपका डायबिटीज़ हाई है तो मत लेना आपको, या फिर आप प्री डायबिटिक है तो मत लेना, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी आप मत लीजिए, किसी को पूछ के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपको हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, आपको इंच लॉस करना है, वेट लॉस पर ये काम नहीं करेगा बहुत जल्दी, इतना वेट लॉस आपका नहीं होगा, लेकिन इंच लॉस आपका होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपकी जो कोई ड्रेस है, आपकी कोई जीन्स है, आपकी कोई स्कर्ट है जो आपको वेस्ट एरिया से नहीं आ रही है, तो खुद मैंने ये ट्राई किया हुआ है। और जिसकी वेडिंग अभी गई है, जिसकी शादी हुई है, उन ब्राइड्स ने भी ये ट्राई किया हुआ है और सबको अमेजिंग रिजल्ट मिला है। और ये बनने में बहुत इजी है। और ये उसका जो फर्स्ट जो टी है हीमोग्लोबिन के लिए, उसकी जो टी है वो है कलर चेंजिंग टी। यास, तो नीचे से जो आपको टी जब सर्विंग करते हैं तो ग्लास में आपको दिखाऊँगी, उसमें आप मिरेकल वाले कलर देख सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऑरेंज है, ऊपर से पिंक कलर है। टू कलर्स इज़ डिफरेंट। तो ऑरेंज का मैंने यूज़ किया है, मैंने पोमोग्रेनेट्स का यूज़ किया है, मैंने लेमन का यूज़ किया है, लेकिन जो ऑरेंज एंड पोमोग्रेनेट सीड्स के दोनों कलर है वो डिफरेंट दिखते हैं इन अ टी। तो आप देख सकते हैं, मैं जब वीडियो बताऊँगी आप देख सकते हैं और आप फील करना कि दोनों कलर अलग है। और मैंने मिक्स किया, उसके बाद भी ये कलर मिक्स नहीं होते। तो ये इट्स अ मैजिकल टी जो आपकी इंच लॉस पर काम करती है, आपकी बेली एरिया पर काम करती है। जिनका भी जो टमी है वो थोड़ा सा भी आगे है, आप 1 मंथ उसको ट्राई कीजिए और उसके बाद आप देखिए आपका जो टमी है वो फ्लैट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी आप डाइट चेंज कीजिए, आपका डिनर है वो लाइट रखिए और आप ये टी पीजिए, 3 टाइम्स पीजिए और आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा, आपका स्किन का जो टेक्सचर है, कलर है वो इंक्रीज़ होगा। अगर आप थोड़ा सा भी आपका डल कलर है तो आप 1 मिनट इसको ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, आपका जो कलर है वो खिल के बाहर आएगा, आपका जो ब्लड है वो बहुत ही अच्छा फ्लो करेगा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, आपका डाइजेशन वो इम्प्रूव होगा। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं फर्स्ट टी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज को कट करके लिया है, ये है 8 to 10 पीस ऑफ। उसके बाद ये पोमोग्रेनेट सीड्स 2 स्पून, जिंजर है ग्रेट किया हुआ और लेमन के स्लाइसेस है। तो ये जो है वो इंच लॉस के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। और उसको आपको 1 ग्लास पानी के अंदर बार बार से डालकर आपको उसको जस्ट बॉईल करना है, ठीक है। तो ये मैंने डाला पोमोग्रेनेट, उसके बाद है ऑरेंज की स्लाइसेस छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि ऑरेंज की स्किन को भी डालना है आपको, उसके पल्प को भी डालना है, फिर और आपको लेमन के स्लाइस डालने हैं, उसके बाद जिंजर डालना है और जस्ट उसको बॉईल करना है। आपको 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट उसको बॉईल करना है, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाले, उसके बाद आपको बॉईल करना है और सारी चीज़ों को आपको स्किन के साथ डालना है। अगर आपके पास पोमोग्रेनेट की जो स्किन आती है वो मिलती है तो भी आप उसको डाल सकते हैं, उसके अंदर भी विटामिन सी होता है और इससे भी हीमोग्लोबिन आपका इंक्रीज होता है। तो उसके बाद मैंने सिंपल उसको स्ट्रेन किया है आफ्टर 2 मिनट्स। और आप देख सकते हैं कलर है वो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, नीचे जो है वो ऑरेंज है, ऊपर थोड़ा सा पिंक है, जैसे मैंने बताया। ये बहुत ही मिरेकल टी है और आप उसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वेलकम बैक माय वीडियो। तो ये थी फर्स्ट टी और सेकंड टी जो है वो भी इंक्रीज आपका हीमोग्लोबिन करती है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ये इक्वल है। लेकिन जो ये सेकंड टर्मरिक जिंजर वाली जो टी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो स्पेशली आपका डाइजेशन इम्प्रूव करती है, आपका स्किन का टेक्सचर करती है। अगर आपको कॉफ एंड कोल्ड है, क्योंकि अभी जो फरवरी एंड मिडल हो गया है, कभी कभी गर्मी लगती है, कभी कभी ठंडी लगती है, तो ये जो सीज़न है वो मोस्टली आपको थ्रोट इन्फेक्शन कर सकती है, आपको कफ या फिर फीवर भी कर सकते हैं। तो ये फीवर के अंदर भी ले सकते हैं, ये किड्स को भी ला सकते हैं, घर में किसी को भी आप पिला सकते हैं। तो जो आपको गले में खराश वगैरह होती है, कफ है, कोल्ड है, फीवर है, तो ये सब में भी ये काम करेगी। आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगी, आपका स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करेगी, आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगी। और इसके अंदर मैंने जो टर्मरिक रूट का उपयोग किया है जो सेकंड वाली टी है उसके अंदर, तो जो टर्मरिक रूट अभी जाने वाला है, तो जिन लोगों को भी बनानी है उसको स्टोर कर लीजिए। तो आप उसको 1 मंथ के लिए बना सकते हैं। तो बिलीव मी, उसको ट्राई कीजिए। आपका जो बेली एरिया है वो जाएगा, आपका 1 इंच ड्रॉप हो जाएगा इन 15 डेज से। मैक्सिमम आप 21 डेज लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो साइज़ है वो सारे अपने कपड़े जो है ड्रेसेस जो आपके टाइट है वो लूज़ होते जाएंगे, क्योंकि खुद मैंने फील किया है ये सारी चीज़ पीने से आपका जो स्किन का ग्लो है वो बढ़ने लगेगा। और अगर आपका ब्लड जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, आपके जो इनसाइड आपके ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करेगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, तो धीरे 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 सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यू है तो वो भी चला जाएगा। तो देखते हैं सेकंड टी कैसे बनती है। सो टी के लिए सबसे पहले लेमन ग्रास लिया है, तो 1 ग्लास पानी के अंदर मैंने 1 स्पून लेमन ग्रास, 1 स्पून ऑफ टर्मरिक रूट मैंने ग्रेट किया है वो डाला है, और मैंने डाला है जिंजर, वो है 1/2 स्पून, वो भी ग्रेट किया है। और उसको आपको मिक्स करके बॉईल करना है जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। जस्ट उसको आप बॉईल कीजिए अच्छे से। और ये जो है वो इंच लॉस के लिए बहुत अच्छी टी होती है, तो उसको मैंने ये से स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करती है, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया। बैक टू वीडियो। तो आई होप कि आपको ये दोनों टीज या फिर हेल्थ ड्रिंक, इसको इम्यूनिटी ड्रिंक जो भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये टी आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और मेरी जो फेवरेट है वो है कलर चेंजिंग वाली टी, क्योंकि जो ऑरेंज और पिंक कलर है वो टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग है। प्लीज़ गाइस उसको बना के ट्राई कीजिए और उस आपके फीडबैक जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट के अंदर बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। और जो जो लोग भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं थ्रू ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद भी, तो आप हमारी न्यूट्रिशन फ्रेश के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से कॉन्टेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे एंड क्विकली आप ज्वाइन कर सकते हैं वेट लॉस डाइट प्लान। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैक्स टू मैक्स आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर। और आप अपने फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो हैंडल है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो रील्स है वो शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। ठीक है, सो टेक केयर, बाय एंड मिलते हैं।